टुडे वी विल डिस्कस जो हमारे पास फंक्शन कीज कंप्यूटर्स में दे रखी होती हैं उनके बारे में काफ़ी लेस नॉलेज होती है। F1 सबको पता है हेल्प के लिए होती है हमारे पास, हम उसमें देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर अगर F1 की आप दबाते हो। F2 जनरली आपके पास डेस्कटॉप पे अगर कोई आइकन सिलेक्ट करने होते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, आप आइकन्स का जो नाम होता है वो चेंज कर सकते हैं। F3 जनरली आपके पास अगर सर्च विंडो ओपन करनी होती है तो आप F3 दबा सकते हो। अगर आप कोई काम आपने किया है उसी चीज़ को आप रिपीट दोबारा से दिखाना चाहते हो, जो आप अभी लिखा है कुछ भी कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था अगर उसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हो दोबारा से तो लास्ट एक्शन जो आपका हुआ है तो F4 दबाते हैं उसके लिए। F5 कॉमनली रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमन है। F6 हमारे पास स्टार्ट मेन्यू अगर आपने सिलेक्ट करना है तो F6 का डायरेक्टली शॉर्टकट टाइप से हम उसको दबा देते हैं। F7 फंक्शन की हमारे पास यूज़ की जाती है अगर आपको जो कमांड की जो स्पेलिंग चूज़ करने हैं कि किस तरह के आपको स्पेलिंग चाहिए उसमें कमांड विंडो के अंदर, तो अगर वो चेक करना है, कई बार आप स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इससे हम वो चीज़ कर सकते हैं। F8 हमारे पास जो सिलेक्शन की जाती है उसकी एक्सटेंशन ही है, आप एडवांस वर्जन उसके अंदर चेक कर सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। F9 हमारे पास जो सिलेक्टेड फील्ड होगी जो भी आप सिलेक्ट करते हो और अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो, अपडेट कहने का मतलब होता है आप डिलीट करते हो और उसके अंदर कुछ एडिट करके कुछ नया लिखना चाहते हो या कुछ, तो अपडेट केस उसे बोलते हैं। F10 मतलब आप मेन्यू बार को एक्टिव करना चाहते हो, मेन्यू बार यूज़ करना चाह रहे हो। F11 अगर आप नई फील्ड नेक्स्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो कोई और चीज़ आप खोलना चाहते हो उसके अंदर, तो उसके लिए F11 यूज़ किया जाता है। और F12 चूज़ किया जाता है सेव एज, एक तरह से डायरेक्टली शॉर्टकट सेव एज कमांड को चूज़ करने के लिए F12 यूज़ किया जाता है। थैंक यू।